जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका उचित उपाय चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ महाशिवरात्रि पर महावशीकरण। ये वशीकरण इतना कारगर है, आप किसी को भी पलक झपकते ही वशीकरण कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरी विधि बताऊंगा कि किस तरह से ये महाशिवरात्रि की रात्रि पर किया जाए और इसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह सफल रहो और जो भी आपकी समस्या है उससे आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिले। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं और फ़ोन पे भी वार्तालाप की है उन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा है कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाए। देखिए, महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो आपको 13 तारीख को ही रखना है, लेकिन जो खास दिन है वो है 14 तारीख। और अब बात करते हैं वशीकरण मंत्र की। यदि आप अपने जीवन में अपने प्रेमी या प्रेमिका को, पति या पत्नी को, या अपने बॉस को या अपने नौकर को किसी का भी वशीकरण करना चाहते हो, या आपका प्यार आपसे दूर है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। और ये सही विधि बिल्कुल अच्छी तरह जान लेना ताकि आपको सफलता बिल्कुल अच्छी तरह मिले और इसका ज्ञान आपको हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसको शेयर ज़रूर करना वीडियो को। तो विधि पूरी अच्छी तरह सुन लीजिए, कैसे क्या करना है। आपने 13 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद ये आपको उपाय करना है। मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदि पुरुषाय नाम आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो आदि पुरुषाय नाम आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 3100 बार मंत्र का जाप करना है। समय बिल्कुल ठीक रखना आपने, रात के 12 बजे के बाद करना है और लगातार आपने करना है। किस तरह से आपको ये उपाय करना है ध्यान से सुन लीजिए। लाल कलर का एक आसन लेना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। अपने सामने खुशबूदार धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लेना और जिस भी इंसान को आपका वशीकरण करना है उसके सामने फ़ोटो रख लेना। फ़ोटो, नई फ़ोटो लेनी है, पुरानी फ़ोटो मत लेना। और मोबाइल की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि आप सामने मोबाइल रख लो तो वो नहीं चलेगी। अपने ध्यान देना है उस फोटो पर और मन में आपको उस जिस का भी इंसान का वशीकरण करना है उसका बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रख के आप इसका मंत्र का जाप करिए। इस तरह से आपको ये वशीकरण करना है। अच्छी तरह से आपने विधि जान ली है तो आप ये मंत्र कर लेना और अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी बिल्कुल ये वीडियो शेयर करना। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि काफ़ी लोग जो हैं वशीकरण को खेल समझ रहे हैं कि ऐसा करने पे ये हो जाए, ऐसा करने पे वो हो जाए। तो जो लोग आप मुझसे बात करते हो सबसे पहले ये समझ लो इस चीज़ को कि वशीकरण कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जिसका हम सहारा लेके अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं। ये और समझ लो कि वशीकरण आसान नहीं है, इसमें आपको मेहनत के साथ साथ लगन की भी बहुत ज़रूरत है, तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। बाकी आपकी सोच है, आप जहाँ भी जाओ कहीं भी जाओ ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ बिना कुछ करे और आपने एक आँख मार दी या ताली बजा दी और आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले ये समझ लो आपको सिद्ध करना पड़ता है मंत्र और आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप तंत्र मंत्र में सफल होते हो, तभी आपको सिद्धियाँ प्राप्त होगी और तभी आप किसी का वशीकरण कर पाओगे। और मेरी बातों में आपको सच्चाई जब लगेगी, जब आप कहीं से ठोकर खा के मेरे पास आओगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और तंत्र मंत्र यंत्र की और काले जादू की सही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपकी कोई और समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगल हो।